अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातु। वी विल लर्न ENV चैप्टर नंबर 9 माय बॉडी। पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ मेनी पार्ट्स। हमारी बॉडी कई सारे पार्ट्स से बनी होती है। सम पार्ट्स कैन बी सीन बाय अस आर कॉल्ड एक्सटर्नल ऑर्गन्स। पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी सच एज द नोज, ईयर्स, नेक, हैंड्स एंड लेग्स आर सम ऑफ आवर एक्सटर्नल ऑर्गन्स। बॉडी के ऐसे पार्ट्स जो हम देख सकते हैं, जिसको एक्सटर्नल ऑर्गन्स बोलते हैं, लाइक नोज, ईयर्स, नेक, हैंड्स एंड लेग्स, वो सारे एक्सटर्नल ऑर्गन्स है। सम बॉडी पार्ट्स आर इनसाइड आवर बॉडी एंड कैन नॉट बी सीन बाय अस। दे आर कॉल्ड इंटरनल ऑर्गन्स। द हार्ट, लंग्स, ब्रेन एंड स्टमक आर सम ऑफ द इंटरनल ऑर्गन्स। बॉडी के ऐसे पार्ट्स जो हम देख नहीं सकते, जिसको इंटरनल ऑर्गन्स बोलते हैं, लाइक हार्ट, लंग्स, ब्रेन एंड स्टमक। सेंस ऑर्गन्स। वी हैव 5 सेंस ऑर्गन्स। पार्ट्स ऑफ द बॉडी दैट हेल्प अस फील द वर्ल्ड अराउंड अस आर कॉल्ड सेंस ऑर्गन्स। वी हैव 5 सेंस ऑर्गन्स। बॉडी सेंस ऑर्गन्स क्या काम करते हैं? हमारी आसपास जो चीज़ें हैं उसको फील करने में हेल्प करते हैं। क्या बोलते हैं उसको? सेंस ऑर्गन्स। हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स है, आइज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन। दे हेल्प अस टू सी, हियर, स्मेल, टेस्ट एंड टच। आइज। आर आइज हेल्प अस टू सी डिफरेंट थिंग्स। वी हैव 2 आइज। आइज हमारी क्या हेल्प करती है? सारी अलग अलग चीज़ें देखने में हेल्प करती है। हमारी 2 आइज होती है। ईयर्स। आर ईयर्स हेल्प अस टू हियर साउंड। द साउंड मे बी लाउड और सॉफ्ट, हाई और लो एंड प्लेजेंट और अनप्लेजेंट। हमारे ईयर्स क्या करते हैं? डिफरेंट तरह के साउंड सुनने में हेल्प करते हैं। साउंड भी कई तरह के होते हैं, लाउड और सॉफ्ट, हाई और लो, प्लेजेंट और अनप्लेजेंट तरह के साउंड्स होते हैं, वो सब सुनने में हमारी ईयर्स हेल्प करते हैं। नोज। आर नोज हेल्प अस टू स्मेल थिंग्स। सम थिंग्स हैव अ स्वीट स्मेल व्हाइल सम हैव अ बैड स्मेल। वी ऑल्सो ब्रीथ विद द हेल्प ऑफ आर नोज। हमारी नोज क्या करती है? हमें कुछ भी चीज़ें स्मेल करने में हेल्प करती है। स्मेल भी 2 तरह की होती है, कई स्मेल स्वीट्स भी होती है और कई स्मेल बैड भी होती है। और नोज हमारी ब्रीदिंग करने में भी हेल्प करते हैं। टंग। आर माउथ हैज़ अ टंग। आर टंग हेल्प अस टू टेस्ट थिंग्स। देर आर 4 मेन टेस्ट दैट आर टंग कैन फील, स्वीट, सॉल्टी, बिटर एंड सॉर। हमारे माउथ के अंदर एक टंग होती है जो चीज़ें टेस्ट करने में हमारी हेल्प करते हैं। टेस्ट 4 तरह के होते हैं, स्वीट, सॉल्टी, बिटर एंड सोर। ये सारे टेस्ट कौन फील करवाता है? टंग। टंग हमारी टेस्ट फील करने में हेल्प करती है। यू ऑल अंडरस्टूड? स्किन। थिंग्स कैन बी कोल्ड, हॉट, रफ, स्मूथ, हार्ड, सॉफ्ट और शार्प। थिंग्स कई तरह की होती है, कोल्ड होती है, हॉट, रफ, स्मूथ, हार्ड और सॉफ्ट एंड शार्प। द स्किन हेल्प अस टू टच एंड फील देम। तो हमारी स्किन है वो उसको टच करके फील करने में हेल्प करती है। आर बॉडी इज कवर्ड विथ अ लेयर ऑफ स्किन। द स्किन प्रोटेक्ट्स आर
बॉडी पार्ट्स। हमारी स्किन है, पूरी बॉडी है वो स्किन से कवर होती है, और वो हमारी स्किन है वो हमारी बॉडी पार्ट्स को प्रोटेक्ट करती है। इंटरनल ऑर्गन्स, देर आर मैनी ऑर्गन्स इनसाइड आर बॉडी टू, सिंस वी कैन नॉट सी देम फ्रॉम आउटसाइड, दे आर नोन एज इंटरनल ऑर्गन्स। द ब्रेन, हार्ट, स्टमक एंड लंग्स आर सम ऑफ आर इंटरनल ऑर्गन्स। बॉडी के वो पार्ट्स जो बाहर से दिखाई नहीं देते, जो बॉडी के अंदर होते, जिसको हम इंटरनल ऑर्गन्स बोलते हैं, लाइक ब्रेन, हार्ट, स्टमक एंड लंग्स। दिस इज अ पिक्चर ऑफ ब्रेन। द ब्रेन कंट्रोल्स आर बॉडी, इट हेल्प अस टू थिंक, लर्न एंड रिमेंबर थिंग्स, इट ऑल्सो हेल्प अस टू डू वेरियस एक्टिविटीज। हमारा जो ब्रेन होता है वो पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, हमारे ब्रेन हमारी हेल्प करता है कुछ थिंक लर्न करने में, याद रखने में, स्टडी में भी हेल्प करता है, और अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ करने के लिए भी हमारा ब्रेन हेल्प करता है। सो हमारा ब्रेन है वो पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ हार्ट। इफ़ यू प्लेस योर हैंड ऑन योर चेस्ट, यू विल फील समथिंग बीटिंग, इट इज़ द हार्ट, इट पम्प्स ब्लड टू ऑल द पार्ट्स ऑफ आर बॉडी। जब आप अपना हैंड अपनी चेस्ट पे रखोगे तो कुछ बीटिंग हो रहा है ऐसा आपको फील होगा, वो हमारा हार्ट है। हमारा जो हार्ट से वो पूरी बॉडी में ब्लड पंप करता है। यू ऑल अंडरस्टूड? स्टमक, द फूड दैट वी ईट गोज इनसाइड अ बैग लाइक ऑर्गन कॉल्ड द स्टमक। द स्टमक हेल्प अस टू डाइजेस्ट फूड। हमारे बॉडी के अंदर एक बैग जैसा ऑर्गन होता है जिसको स्टमक बोलते हैं। जब हम फूड खाते तो किधर जाता है? स्टमक में जाता है। जो स्टमक होता है वो फूड डाइजेस्ट करने में हमारी हेल्प करते हैं। लंग्स, वी हैव टू लंग्स, दे हेल्प अस टू ब्रीथ। हमारे टू लंग्स होते हैं जो ब्रीथिंग करने में हमारी हेल्प करते हैं। वी मस्ट टेक केयर ऑफ आर बॉडी एंड ऑलवेज कीप इट हेल्थी एंड फिट। हमें हमारी बॉडी की बहुत ही केयर करनी चाहिए जिससे हमारी बॉडी हेल्थी और फिट रहे। यू ऑल अंडरस्टूड? आर वैल्यूज, वी शुड हेल्प एंड बी काइंड टू पीपल हु कैन नॉट सी, हियर और स्पीक, दे नीड आर केयर। जो पीपल देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते और बोल नहीं सकते, हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए, उनको हमारी केयर की ज़रूर होती है। क्या आप लोग हेल्प करोगे? इंशाल्लाह। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड। थैंक यू। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु।